out again. It's a redstone. The bathroom, or yeah, bus here, yeah. So, this is the bathing area, or yeah, shower ka area, or yeah, yahan se must, yeah, or a cheese by ye Germans, ek bar mood hulte to ek towel use karte, or humne mein ek towel puri family use karti thi. So, ye sab cultural differences dekhne ko milne. So this is the another room. इसमें कोई और लड़का आएगा और ये जो लैंडलेडी है उनका है और this is my room. So this is the kitchen. और अंदर भी तो मैसी हो रखा है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे ये मेरी टेबल, मैं सोच रहा हूँ वो ऑमलेट बनाने का. ये जो लैंड लेडी हैं वो नोट छोड़ गई हैं मेरे लिए, ये केक दे दिया. सो भाई ये किट्स दे गई हैं टेस्ट करने के लिए और जस्ट चल रही है अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी. सो मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ कैसा है. बाहर आ जाते हैं बिल्कुल. सो दिस इज़ द शू एरिया. यहाँ से आए हम अंदर और एक वो वाला ड्रॉर है मेरा, बाकी उनका ही है. और ये अच्छा खासा डेकोरेशन कर रखा है हर जगह. दिस इज़ द वॉशरूम, वन मोर वॉशरूम. और यहाँ पे मेरा क्लॉथ्स का एरिया आ जाता है, वो कपड़े वपड़े धुलने का. और यहाँ पे यहाँ वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ है इधर, और हीटर उसी के नीचे, तो कपड़े एक दिन में सूख जाते हैं. एंड जो भी हाउस कीपिंग का सामान है वो यहाँ पर है, जूसेज एंड ऑल, तो मैं सभी यूज़ कर सकता हूँ. जो भी वॉशिंग मशीन वगैरह है फ्री ऑफ चार्ज. यहाँ पे आ जाती है गैराज. सो वन ऑफ द साइकिल्स, इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. और या दिस इज़ माय फ्रिज. क्या दिखाऊँ भाई, यही है, दिस इज़ माय फ्रिज. उधर से अब अंदर से दिखाता हूँ लिविंग एरिया. तो इस टाइप का है किचन. सो आई कैन यूज़ लाइक एनी अप्लायंस ओवर हियर, जैसे एयर फ्रायर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया. सो आई कैन यूज़ ऑल ऑफ दैट. और जो लैंड लेडी है शी इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. और मैं इस एरिया में कभी आया नहीं. सो अभी उनको थोड़ा फ्लू हो रखा है, आई डोंट नो, शायद कोविड. सो मैं इधर आते ही नहीं, बहुत कम आता हूँ. सो दीज आर द चॉकलेट्स. और ये फायरप्लेस बना रखा है एकदम मस्त सा. दिस इज़ द बैक यार्ड, बहुत सही सा बैक यार्ड है. इट्स समथिंग लाइक दिस. और वो कुछ ना कुछ इसमें काम करती रहती हैं, डिस्पाइट ऑफ बींग सिक शी वॉज लाइक वर्किंग इन द गार्डन. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट शी हैड. और ये पीछे मतलब क्रिसमस, इसमें उसके टाइम थोड़ा चिल पिल करने का, इसलिए शायद बना रखा है उन्होंने जो भी है. दिस इज़ द बैक यार्ड, बहुत ही सही मेरा. क्रिसमस के टाइम मज़ा आएगा यार. एंड वन मोर थिंग, पता होगा कि यहाँ पे हर चीज़ का सेग्रीगेशन अलग अलग होता है. लाइक प्लास्टिक की जो रैपर्स हैं या फिर जो पेपर्स हैं उनको अलग डस्टबिन में डालते हैं, और जो बायो वाला है कंपोस्ट उसको अलग डालते हैं. तो सिमिलरली यहाँ भी ये प्लास्टिक का है, यहाँ पे नीचे पेपर्स का वो बॉक्स रखा हुआ है, इसमें बायो वाला सारा सामान जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और ये सब रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे. एंड मैं कह रहा था कि
आई वुड प्रिफर लिविंग विद अ जर्मन फैमिली, क्योंकि यार तुमको एक नया कल्चर जो तुम्हें एक्सपीरियंस करने हो, नया कल्चर, तो मुझे मतलब उनके रहने खाने का, कैसे खाते हैं, क्या रहते हैं। बट यहाँ पे भाई फोक एंड नाइफ के साथ कोई इटालियन सी डिश दी थी, सो विद चीज़ एंड ऑल, तो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, लाइक तो मज़ा आएगा। और ये जर्मन्स भाई पढ़ते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हैं। अभी तुम्हें उधर दिखाया था ना, वो लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया में इतनी बुक्स फैली पड़ी हैं, मेरे कमरे में उनकी बुक्स पड़ी पड़ी हैं, ओशो की, दलाई लामा और बहुत सारे राइटर्स की बुक्स ऊपर रखी हुई हैं। और मेरे पीछे भी अगर दिखाऊँ वो शेल्फ में, इसको यहाँ जर्मन में बोलते हैं श्रांक, उसमें भी भाई इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं। सो ये पढ़ते बहुत हैं, मोर देन टीवी ये बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो अभी ऐसा ही सीन है, और लेट्स मेक माई ब्रेकफास्ट क्विकली। बिना ट्राईपॉड के कर रहा हूँ तो पता नहीं स्टेबल रहेगा कि नहीं इतना। अभी ये जाएगा सीधा इसके ऊपर, ये चॉकलेट केक बनाया तो वही रखी है इनकी चॉकलेट। और ये रखना, ये इसको डालना है इसमें। और एक दिन मैंने उनसे ये मांगा, ग्राइंडर है आपके पास, कुछ बना रहा था। सो भाई ये लोग पूरे डिब्बे का सामान यूज़ करते हैं, ये कह रही टमाटर है ये ले लो मिक्स मतलब पिसा हुआ, और ये अगर थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो मिर्च वाला ये ले लो। मैं नहीं नहीं भाई इतना ही बहुत है, मुझे बस एक मिक्सर दे दो। तो मुझे ये ला के दिया, और जैसे नहीं वो कुछ फेटा जाता है तो उसमें मैंने टमाटर को पीसा। माई ब्रेकफास्ट सॉरी इज़ रेडी, वो जर्मन का थोड़ा यार आता रहता है बीच में इस्ट। सो ये हो गया, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यार तुम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हो यहाँ पे आके। सो आई जस्ट लर्न कि जब तुम खाते हो, इफ़ मान लो तुम किसी डिनर पे गए, वहाँ पे टेबल स्पून ये रखा है, उसके बहुत बड़ा यार इनका झमेला रहता है इसका। तो अगर तुमने अपनी स्पून ऐसी रखी हुई है, दैट मीन्स यू आर नॉट फिनिश्ड येट, अभी तुम अभी खाओगे, सो वेटर कैन अंडरस्टैंड, वो तुम्हारी प्लेट वहाँ से नहीं उठाएगा टेबल से। सो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब रोज़ मतलब नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग, ये है फ़ायदा किसी जर्मन फैमिली में रहने का। अब हम वहाँ रहते हैं स्टूडेंट डोमेट्रीज़ में रहते हैं, तो अपने तरीके से रहते हैं, हम कुछ नया दूसरे कल्चर के बारे में इतना जान नहीं पाते कि वो लोग कैसे रहते हैं। सो बाई लिविंग विद अ जर्मन फैमिली, सो आई एम गेटिंग दिस एडवांटेज कि उनके कल्चर के बारे में जानने को मिल रहा है। और भाई अभी मेरा रूम फैला हुआ है थोड़ा, रूम को भी दिखा दूँ क्या अभी? ओके सो लाइट लाइट ऊपर की खोल दी मैंने, सो अब बैक कैमरा पर शिफ्ट करता हूँ। स्टेयर से मैं नीचे से आया, ये लाइट है यहाँ की अंदर। सो दिस इज़ माई रूम, जैसे यहाँ है तो ये हमारे इनका सिस्टम उल्टा होता है लाइट वाला, तो मैं जैसे इसको करूँगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, इसको करूँगा तो लाइट खुल जाएगी। आई डोंट नो अपने यहाँ कैसा होता, तो भूल गया मैं। और कुछ इस तरीके का है अभी भाई रूम, ये टेबल मेरी गंदी रखी तो इसको थोड़ा इग्नोर मारना। सो मेरे रूम में ये एडवांटेज है कि नेचुरल लाइट आती रहती है, बिकॉज दो दो विंडो हैं, एंड दिस एज वेल। या सो दिस इज हाउ इट इज, तो लाइट अच्छी खासी मेरे रूम में आती है, सो इस वजह से रूम थोड़ा और अच्छा लगता है। और ये मेरे जो इंडिया से बैग लाया था पीछे फेंक दिए, आरडी से शॉपिंग करी थी तो उसका बैग पड़ा हुआ है। और ये बेडशीट इंडिया से इतनी कुछ पुरानी बेडशीट है, बहुत ले आया, क्या करना है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, या सो दिस इज़ द बोर्ड। और ये मुझको मिला हुआ है पूरा, अपने जो भी चीज़ें पिन करने को, और यहाँ पे पेपर्स वगैरह रखने को, ये नीचे थोड़े बैंक के पेपर्स और बाकी सब कुछ। कॉमर्स बैंक गया था तो वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स मिले, इस पार्क का सा गया था वहाँ पे भाई। यहाँ और सबसे सही चीज़ है, मुझे भाई मेन चीज़ दिक्कत रहती है टेबल चेयर की, और मुझे यहाँ सही मतलब बहुत तगड़ी गेमिंग चेयर मिल गई है। क्या चाहिए है, गेमिंग चेयर मिल गई है, टेबल मिल गया है, और ये पूरा ये पैड मिल गया है अपना आराम से। सो दिस इज़ द रूम, और ये शेल्फ वगैरह है, और ये शेल्फ है, तो काफ़ी स्टोरेज ही काफ़ी जगह है। और हाँ मैं अपने ये देखो, इंडिया से आना तो ये अडेप्टर तो तुम दो चार अपने डाल लाना कि अगर बाई चांस ख़राब हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये एक बैग को रखने की जगह नहीं है, और पीछे डालता तो अच्छा नहीं लगता। ये अभी भी ऑन है, तो रात में ये जैसे अपने यहाँ ज़ीरो पावर वाली लाइट होती है उसी टाइप की यहाँ पर ये है। सो दिस इज़ द रूम, और क्या दिखाऊँ, और यहाँ पर ये तुम यहाँ से ये हीटिंग कंट्रोल कर सकते हो,
1, 2, 3 जो भी काफ़ी पुराना हीटर है बट इनका। और ये यार विंडो हर कोई दिखाता है, मैं नहीं दिखा रहा है इसमें विंडो, वेंटिलेशन के लिए अलग, उसमें अलग। सो दिस इज़ हाउ द बैक यार्ड लुक्स लाइक। और ये उनका गार्डन है बगल में, और ये अपना बैक यार्ड। सही है यार ये। सो सुबह उठते उठते बढ़िया सनलाइट आ जाती है कमरे में। सो दिस इज़ द थिंग। अब चलो ब्रेकफास्ट खाते हैं, ठंडा हो रहा है, जाना भी है क्लास। ओके टाइम हो रहा है मेरी क्लास का, सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। और माय नेबरहुड भाई, अंदर कुत्ता कितना मस्त बैठा है। एंड या दिस इज़ हाउ इट इज़। ये बहुत प्यारा लगता है गार्डन। और क्रॉसफिट खड़ी है सामने भाई। यहाँ घर बहुत अच्छे अच्छे बन रखे हैं यार, इतने प्यारा सा गार्डन। और डेकोरेशन इतनी करते हैं ना ये लोग अपने घर में, वो बहुत प्यारी लगती है। आई एम जस्ट लीविंग फॉर माई क्लासेस। और यहीं से ट्राम स्टॉप कुछ 3 मिनट दूरी पे है। सो या भागना पड़ेगा यार, 2-3 मिनट में ट्रेन वो ट्राम आ जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे बीच में एक शॉर्टकट बना रखा है। सो वहाँ से आप 2 मिनट में ट्राम स्टॉप तक पहुँच सकते हो फ्रॉम माई होम। इस टाइप का बीच में कुछ जंगल सा है, यहाँ से ये जगह बना रखी है। सो इट्स प्रीटी नाइस। यहाँ से लोग काफ़ी निकलते निकलते रहते हैं। और इसके पास में एक हॉप बन ऑफ भी है, बट वहाँ ट्रेन बहुत ही लिमिटेड रहती है। ट्रैम ऐसी है कि 10-10 मिनट में निकलती रहती है। और अभी देखो ट्रैम आ गई। माय गॉड जस्ट मिस द ट्रैम भाई साहब, बिल्कुल पीछे है ट्रैम। वो रुका भी थोड़ी देर, बट भाई नहीं हो पाया यार। 1 मिनट पहले चली गई, 12:12 पे थी वो, सॉरी 12:13 पे, 12 पे निकल गई यार, 8 मिनट बाद है। हाँ मैन, चलो देखते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है और यहाँ पे लोग कहते हैं वेदर ख़राब रहता है। मैं यहाँ जब से आया हूँ 25 दिन हो गए, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने धूप देखी है, धूप रोज़ निकल रही है। अब पता नहीं अक्टूबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में शायद हो जाए, बट अभी तो बहुत सही मौसम हो रहा है। बट ठंडी बहुत है, ठंडी है बट धूप के साथ ही बैलेंस हो जाती है। जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन काफ़ी ज़्यादा लगती है। या और पीछे शायद ये कुछ कोरियर सर्विस वगैरह के ट्रक्स वगैरह हैं यार। जर्मनी में इनका लॉजिस्टिक्स ही तो इतना मस्त है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बस एंड करते हैं यहीं पे, रूम टूर एंजॉय करना, ऐसे ही चल रही है लाइफ अभी। और ये ज़रूर ले आना इंडिया से, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो जर्मन एक्सटेंशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। सो इस टाइप की तो अपनी वाली ये जो लगा हुआ है ना, ये चीज़ ये ज़रूर लेके आना इंडिया से, यूनिवर्सल अडैप्टर। तो चलो यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।